तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर ऑफिशियल। तो भाई आज की वीडियो होने वाली ना काइट कटिंग ट्रिक्स के ऊपर, और जो हम डमी काइट्स की हेल्प से आपको बताएंगे। और देखो आज मैं कुछ पतंगबाजी भी करूंगा, उसके लिए ये नया मांजा हमने अभी खोला है। और मांजा देखो यार, क्या शानदार कलर और शानदार मांजा है। तो अभी पतंग उड़ाएंगे और देखो ये सारी पतंगें रही जो हम उड़ाएंगे। फिलहाल इसकी वीडियो तो आपको आगे देखने को मिलेगी, लेकिन आज मैं आपको ना पूरा एक्सप्लेन करूंगा, एक एक पेज लड़ा के दिखाऊंगा और फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा वो पेज मैंने कैसे काटा। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखो। और ये सारी पतंगें रही देखिए, चांदार रही और ये चप्पा वाली पतंग रही, सब उड़ाएंगे दिखाएंगे। और कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई मुझे नेक्स्ट वीडियो कौन कौन से टॉपिक के ऊपर लानी चाहिए, तो आप लोग के कमेंट थे कि भाई काइट कैचिंग। तो यार काइट कैचिंग के लिए थोड़ा सा वेट करो, जैसी मेरी तरफ क्लब काइट फाइटिंग होती है ना, तो मैं आप लोग के लिए काइट कैचिंग की वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल ये हमारी आज की पतंगें रही, हम जो उड़ाएंगे। अब एक बार बताओ मुझे, अगर मंझोली पतंग जैसे कि आपके सामने है ये वाली, और इसी मंझोली पतंग से हम मंझोली पतंग लपेटेंगे और बाई चांस ये चले गई तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा ना, इसीलिए पतंग लपेट के दिखाएंगे, वो भी पौनी। जैसी क्लब काइट फाइटिंग होगी आपको ज़रूर वीडियो मिल जाएगी काइट कैचिंग की। चलो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारा पेज लड़ता हुआ, अब रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग रही, मैं नीचे से उड़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग रही, वो ऊपर से है। अब देखो यहाँ पे हमारी पतंग हमारे अपोनेंट ने काट दी थी, और हमसे क्या गलती हुई थी ना, हमने दो पतंगें लगातार अंदर की रगड़ के काट दी थी इसी बंदे की। अब ये बंदा समझ गया था कि मैं बार बार अंदर रगड़ रहा हूँ, और ये इस मूव के लिए एकदम तैयार था। तो अब आगे देखो ये पतंग मेरी कैसे काटता है। तो देखो ये पतंग मैंने उठा के दी से, ये देखो बाहर की खींची अंदर की खींची थी, लेकिन वो बंदा तैयार था, उसने एंड टाइम में भर्रा मार दिया और यहाँ पे हमारी पतंग कट चुकी है। और ऐसा पेज आप भी अपने अपोनेंट का काट सकते हो। तो इस वाले पेज में देखो ये ब्लैक वाली जो पतंग है ये आपके अपोनेंट की रहेगी और रेड वाली आपकी रहेगी। तो देखो आप ना कभी कभार क्या होता है ना, कुछ बंदे होते हैं जो सेम पेज लड़ाते हैं, जो गलती हमने करी थी वही कभी कभार आपका अपोनेंट करते हैं कि वो नीचे से आएंगे और सीधे अंदर की खींचते हैं, ना ही बाहर की खींचेंगे ना ही स्ट्रेट खींचेंगे, वो सीधे अंदर की खींचेंगे। और अगर वो आपकी दो तीन पतंग ऐसे काट सकते हैं और आपको पूरा विश्वास है कि वो नेक्स्ट पेज जो लड़ाएंगे ना वो सेम लड़ाएंगे, तो उनके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर से जाना है। ये रेड वाली आपकी रही, नीचे से आपका अपोनेंट आएगा और वो जैसे पतंग थोड़ी सी अंदर आएगा ना, आपको गद्दा मारना है उस नीचे एकदम, और गद्दा मार के जैसे ही डोर टच होने वाली होगी ना वहीं भर्रा फेंक देना है। और वो बंदा जैसे ही आपका अपोनेंट अंदर की खींचेगा ना, उसकी पतंग वहीं पर ही कट के चली जाएगी। तो ये पेज उन लोग के साथ लड़ाना जो अक्सर अंदर की दिखाते हैं, तो आप इस तरीके से ये वाला पेज काट सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्लोमो में भी देख सकते हैं, रेड सर्किल के अंदर आपकी पतंग होगी, अब आप ऊपर से लड़ा रहे होंगे, तो जैसे कि यहाँ पर आपका अपोनेंट, ये देखो जैसे ही वो अंदर की खींचे ना आपका अपोनेंट, आपको गद्दा मारना और एकदम देखो यहाँ पे भर्रा फेंक देना है। जैसे ही भर्रा फेंकेंगे अगर वो अंदर की दिखा रहा होगा तो उसकी पतंग वहीं पर ही कट के चले जाएगी। तो ये वाला पेज आप ऐसे काट सकते हैं। इससे पहले वाला पेज मैंने ऊपर से बताया था और ये वाला पेज मैं ऊपर से बता रहा हूँ। तो देखो रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग ने मैं ऊपर से उड़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की रही, वो नीचे से है और हमारे वो लेफ्ट हैंड साइड से उड़ा रहा है। तो ये वाला पेज देखो कैसे हम काटेंगे। तो थोड़ी पतंग आपको चलाते रहना, इससे क्या रहता है ना, अगर आप ऊपर से उड़ा रहे हो पतंग अंदर बाहर कर रहे हो, तो इससे आपकी डोर टाइट रहेगी, झोल नहीं बनेगा आपकी डोर में। ये गद्दा मारा, डोर नहीं मिली थी, मैंने एकदम उठाई और देखो जैसे ही मैंने उठाई ना, डोर नीचे उसकी डोर में टच हुई और वो हमारे झोल से कट गया। तो ये वाला पेज अगर आपको समझ में नहीं आया तो डमी काइट से हेल्प के समझाते हैं। अब ये वाला पेज आप समझ गए होंगे कि इसमें आपको क्या करना है ना, आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। अब देखो ब्लैक वाला आपका अपोनेंट है, आपकी पतंग रेड वाली रही। अब कई बार क्या होता है ना, आपका अपोनेंट काफ़ी नीचे लेकर आता है पतंग, आप स्ट्रेट गद्दा मारते हो नीचे का और एंड में जाके आपको जगह नहीं मिलती, तो आप वहीं पर ही पतंग को चक्कर देते हो और इतनी देर में आपका अपोनेंट आपकी पतंग बाहर को खींच के काट देता है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक्टिव रहना है, जैसे कि हम ऊपर से उड़ा रहे हैं और वो काफ़ी नीचे है, तो हम अगर गद्दा मारते हैं चाहे बाहर का निकलता हो मारें या स्ट्रेट मारें, और अगर डोर नहीं मिलती है ना, तो उसी टाइम हमें अपनी पतंग को ऊपर एकदम ऊपर को उठा लेना है। इससे क्या होगा, जैसे हम नीचे से ऊपर को उठाएंगे ना, तो हमारा झोल जो नीचे लटकेगा ना, तो हमारा अपोनेंट हमारे झोल से कट जाएगा। तो बस थोड़ा सा एक्टिव रहना है, और जैसे ही आप गद्दा मार के अगर डोर नहीं मिलती है तो उसी टाइम गद्दा मार के ऊपर उठाएंगे तो वो आपके झोल से कट के चले जाएगा। एक बार स्लो मो में भी आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें देख लो रेड सर्किल के अंदर आपकी पतंग में ऊपर से देखो, ये मैंने गद्दा मारा था पहले, बाहर का मैंने थोड़ा सा दिखाया और फिर डोर टाइट करके, ये देखो यहाँ पे जो मैंने गद्दा मारा, लेकिन हमें डोर नहीं मिली अपने अपोनेंट की, तो मैंने तुरंत अपनी पतंग जैसी ऊपर उठाई ना,
वहीं पर ही वो हमारे झोल से कट के चले गया। तो थोड़ा सा एक्टिव रहोगे तो पतंग जरूर काटोगे। अब ये रहा भाई आज का तीसरा पेज। तो रेड सर्किल के अंदर हमारी पतंग में ऊपर से ही पेज लड़ा रहा हूँ, ये वाला भी ऊपर से ही बता रहा हूँ, और ब्लू सर्किल के अंदर आपके अपोनेंट के रही वो नीचे से है। तो देखते हैं ये वाला पेज हम कैसे काटेंगे। वो थोड़ी पतंग खड़ी करके ला रहा है, ये गया और देखो बाहर का निकलता हुआ मारा, और पतंग हमने काट दी क्योंकि हमने बाहर का निकलता हुआ मारा था। अगर हम स्ट्रेट गद्दा मारते तो हमारी पतंग कट जाती, और थोड़ा हमारी पतंग ने भी हमारा साथ दिया है। तो डमी पतंग के ऐप से सीखते हैं ये वाला पेज, और एंड में हमारी पतंग ने कैसे साथ दिया हमारा वो भी दिखाता हूँ। तो ये बहुत नॉर्मल सी गलती है जो हम लोग करते हैं, मेरे साथ भी काफ़ी बार होता है, आप लोग भी करते होंगे। जैसे कि ब्लैक वाला आपका अपोनेंट है, रेड वाली आपकी पतंग है, तो अगर आपका अपोनेंट हल्की सी पतंग उठा के लाता है तो आपको लगता है काफ़ी अच्छा मौका है, आप गद्दा तो मारते हो लेकिन जल्दबाजी में आप स्ट्रेट गद्दा मार देते हो। और अगर आप किसी की खड़ी डोर पे सीधा गद्दा मारोगे तो आपकी पतंग वहीं स्लिप होके चले जाएगी। तो इस पेज में क्या करना है, आपको सीधा गद्दा नहीं मारना है। अगर सीधा गद्दा मारोगे आपकी पतंग तो वैसे ही कट जाएगी भाई। तो अगर कोई बंदा नीचे से आता है, जैसे सपोज आपका अपोनेंट नीचे से आया, आप ऊपर से हो, तो अगर वो पतंग उठा के लाता है ना, तो आपको जो गद्दा मारना है ना थोड़ा बाहर का निकलता हुआ मारना है, ये देखो ऐसे करके ये गद्दा मारना है। इसमें आपके चांसेस रहेंगे कि आप पेज काटोगे। अगर आप सीधा गद्दा मारोगे उधर तो आपकी पतंग कटना ही कटना है। यहाँ पे आप काट भी सकते हो और आपकी कट भी सकती है, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी है कि आप काट भी सकते हो, लेकिन वहाँ पे आप बिल्कुल भी नहीं काट पाओगे अगर सीधा गद्दा मारोगे। तो यहाँ पे देखो रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग थी और हमारा अपोनेंट काफ़ी खड़ी करके ले आया था। तो यहाँ पे देखो गद्दा तो मैंने बाहर का निकलता हुआ मारा, ये देखो गद्दा तो मैंने सही मारा बाहर का निकलता हुआ, और हमारी पतंग ने भी हमारा थोड़ा साथ दिया। वो भी देखो जैसे ही मैं बाहर का निकलता मारा था वो हल्की से अंदर की आई, और उससे पहले हमारा अपोनेंट कट गया था, लेकिन अगर वो नहीं कटता वहाँ पे तो इस टाइम कट जाता। तो पतंग भी कभी कभार आपका साथ देती है। तो देखो ये फोर्थ पेज है और ये भी हम ऊपर से ही लड़ा रहे हैं। रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग है, मैं ऊपर से हूँ, और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की रही, वो नीचे से आ रखा है, और काफ़ी लंबी पतंग है मेरी। उससे ये नीचे का बनाया, गया डोर मिला ही उसने, खींचा मैंने डबल का पेज बनाया, और काफ़ी आसानी के साथ मैंने ये वाला पेज काट दिया है, और काफ़ी ईजी पेज था। अगर आपको समझ में नहीं आया तब भी मैं डमी कट के हेल्प से समझा दे रहा हूँ। और यहाँ पर मेरी डोर टाइट थी, हवा अच्छी चल रही थी, और इसीलिए हमने ये वाला पेज आसानी से काट दिया। तो ये वाला पेज देख के आपको ये जरूर समझ में आएगा कि हवा भी आपका बहुत साथ देती है। तो यहाँ पे देखो ब्लैक वाली हमारे अपोनेंट की पतंग रही, वो नीचे से आ रखा था, और रेड वाली मेरी पतंग थी। अब हमारा अपोनेंट ना काफ़ी हमारे अंदर आ गया था, और उसे ये लग रहा था कि यहाँ पे मेरा झोल होगा क्योंकि काफ़ी अंदर बढ़ के आ गया था, मेरी पतंग थोड़ी लंबी निकली थी। लेकिन भाई आपको यहाँ पे ये भी तो ध्यान देना कि हवा अच्छी चल रही है यार, और हवा अच्छी होगी तो झोल नहीं होता पतंग में, पतंग थोड़ी टाइट रहती है डोर। और यहाँ पे उसने गलती क्या करी बाहर खींचने की, उसकी पतंग छोटी थी और यहाँ पे हमारी पतंग लंबी थी, हमारी डोर टाइट थी। तो यहाँ पे मैंने डबल का पेज बनाया और डोर टाइट थी, थोड़ी मैंने ताकत भी लगाई और आसानी से हमने ये वाला पेज काट दिया। और इसी पॉइंट में अगर ये इतना अंदर आ जाता और हवा ज़्यादा तेज़ नहीं होती तो ये मुझे काट सकता था, क्योंकि इस टाइम पे मेरा यहाँ पे झोल होता अगर कम हवा होती। लेकिन अगर हवा अच्छी है, तेज़ है थोड़ी हवा, तो पतंग की डोर थोड़ी टाइट ही रहेगी, और इस तरीके से ये वाला पेज हमने यहाँ पे काट दिया। एक बार आप स्लो मो में भी देख सकते हैं, रेड वाली मेरी पतंग रही, देखो ये गया, यहाँ पे मैंने डोर थोड़ी टाइट करी और गया, डोर टाइट लेकर ही चल रहा हूँ मैं। पहले उसे नीचे गिरता हुआ बनाया, उसे लगा नीचे का खींचूँ, उसने बाहर की खींची, वहीं मैंने पतंग एकदम ऊपर खींच दी और थोड़ा डबल का पेज बनाता, और यहाँ पे हमने इसकी पतंग काट दी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। थोड़ा यार पतंगबाजी कम हुई है, लेकिन वीडियो हम रेगुलर लाते रहेंगे, और शायद नेक्स्ट वीडियो काइट कलेक्शन के ऊपर आ जाए। तो मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन एक्साइटेड है वाली वीडियो के लिए, अगर आप कमेंट करेंगे तो वीडियो मैं ज़रूर डालूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।